जो होती है ना, ने अपना कर लिया मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उन्होंको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया मैं चालीस साल का हूं अंकिता की एज हम दोनों मोर देन हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आने हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है Uh, मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली है वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है कोई उम्मीद नहीं है कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है कुछ भी नहीं है हम दोनों फ्रीली रहते हैं जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीज़ें क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीज़ें करते रहते हैं हम दोनों के बीच में रहते हैं जैसे हर किसी के घर में सब चीज़ें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती हैं बट अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीजों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल कर रहे हैं तो ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाए लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बड़े आ, उन चीजों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं

वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहें शायद इतने अच्छे से रहें तब जाके हम आज शादी का फैसला ले पाए उन चीजों में अंकिता को हर चीज अच्छे से मालूम है उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहां तक पहुंचे तो मेरे को बस उस उस चीज का का वो वो लग रहा था कि कहीं न कहीं ना सारी चीजें भी अगर उस जर्नी हमारी पार्ट रही है तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे से रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है ये मुझे दिखता था तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीजों का पार्ट है अब जब हमने यहां कंट्रोल नहीं किया तो अब वो चीजें जो हो रही हैं, वो मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूं बट मैम समझिए मैं भी कोई मैं एक इंसान हूं मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100 परसेंट जानने के बाद की है पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना तो रिश्ते में और उस चीज को बढ़ावा रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी यू you नो know, ऐसे कोई शब्द यूज करती है अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विकी को ये बोलती स्पेशली मुझे बहुत हर्ट होता तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया इट वॉज द ओनली रीजन यहाँ तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेजती ना हो ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की मुझे ये किसी के मुझे सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था और दूसरी बात मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है एक उस अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक तो ये बात पहुंचे मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज़ मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी कोई ट्रस्ट नहीं मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रॉग है जिसके लिए आप फील करते हो मैं नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद हिले दैट्स इट सी बस ये श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है वो सारी चीज़ें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे उस दिन उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी उसके लिए वी हैव हाँ टू तो गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस दैट्स इट बस अंकिता आप बता दीजिए कि वो जो मन्ना मन्ना करते हैं आफ्टर आप इतना फील करते हो उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे वो तो वही जाने वो मन्ना मन्ना करते हैं मैं मैं कुछ मैं... मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक यू you नो know, विक्की का एक स्टाइल है ठीक है ऐसा नहीं यहाँ पर ही आई थिंक ईशा को भी वो इशू बोलता था मना और जेन्यून मैं आपकी चीज़ बोल रही हूँ चीज़ जो बड़ी है ना शायद वो मेरे रिएक्शन की वजह से बड़ी है मुझे ऐसा लगता है ये पहला कुछ था नहीं आई थिंक आईव रिएक्टेड टूवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग

बढ़ाती है देखिए किसी को भी attention अच्छी लगती है अगर उन्हें ये मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरा husband भी एक तरीके से you know, he, he's also enjoying it. तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से नारा को तो नहीं सॉरी पर मैंने अब विकी को जरूर समझाया कि विकी मेरे को तकलीफ हो रही है मेरे को तकलीफ हो रही है बट उसके बाद भी अब उनको वो मना करना है और मुझे जेन्य अब मैं कई क्लैरिटी लाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अंकिता की बात है, बातें सुनकर राग को क्यों हंसी आ रही है नहीं कुछ मना मना वाला एक पंचलाइन आया थोड़ा तो उस लिए थोड़ा हंसा आप देख रहे हो ऑफ कोर्स सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे वही बिग बॉस कब से वही बोल रहा हूँ यार एपिसोड बस सुनाओ इनको जो कट कट करके फटाफट कर। प्रॉब्लम the... यही है सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे मेरे को बिग बॉस आपकी एक लाइन याद है कहानी मत सुना रीजन बता तब भी तूने कहानी सुनाई थी हाँ <laughs> तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस ने Hi, दिस इज सन from India इंडिया uh, Ankita, अंकिता जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि झगड़े काफ़ी हुए हैं ऑफकोर्स झगड़े हुए हर कपल में होता है बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन गैस लाइटिंग रेड फ्लैग इनसिक्योरिटी ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल गए हैं एंड अंकिता जिस तरह से आप इतनी अपोलोजेटिक हो जाती है अपनी किसी भी इमोशंस को लेकर वो क्यों होती है और इसका रीज़न ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है आप एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती है. जी हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग नॉट एट ऑल बट येस ऑफकोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर है विकी मेरे लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ऑफ कोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विक्की को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज़ क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट मैं बोलना नहीं चाहूँगी जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल रही हूँ और उस वजह से वो विक्की पर भी असर आ जाता है ना अगेन यू नो आई आई री आई रियली फील बैड फॉर हेम क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है तो येस yes. बट यू शुड लुक्स टू यू अंकिता बट विकी कहीं ना कहीं हमें ये लिखता है कि शायद ही इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं वो मैनिपुलेशन आप कर देते हो कि तुम मेरे साथ ये गलत करे हो क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं अंकिता उस बात से हर्ट है या उस तरह की वो पॉलिजिटिक है अपने पास्ट को लेकर क्या ये सही है मैम अंकिता इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है ना कि अगर उसको नहीं कोई चीज लगेगी ना तो आप उससे कुछ नहीं बुलवा सकते कोई कुछ नहीं बुलवा पाया आज तक मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम शायद एक सीन देखते हैं बट हमारी ये लाइफ है हमारी ज़िंदगी है तो हम उसको ओवरऑल हम सबको पीछे से पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं लेकिन हम कई शब्दों में उनको बोलना नहीं चाहते इज़ जस्ट दैट सॉरी इज़ द ओनली फॉर्म जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं बहुत लेट गो चीज़ों को कर देता हूं शायद चीज़ों को शायद हमारा में डिस्कशन भी नहीं होता बट अंकिता शायद छोटे छोटे इमोशंस को शब्दों में बोल देती है तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ होती है तो हम दोनों के अपने तरीक़े लड़ना झगड़ना बोलना सॉरी ये सब हमारा एक दूसरे के वापस पास आने का पार्ट है वो डेफिनेटली टेलीविजन में जज किया जा रहा है बट इवेंचुअली सब बस इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर चीज़ों के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं चाहे तरीका किसी भी तरीके का हो बट रिजल्ट हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं किसी भी तरीके से गलती होगी मैं हंड्रेड सॉरी बोलूँगा

एंड अंकिता के लिए पास्ट ऑफ कोर्स एक वीकनेस था बट <laughs> मुनवर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है रियलिटी शो पे क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंपथी और एक फैंडम जीत रहा है आपके लिए क्लियरली uh, uh, मैं एक राइटर हूँ और हमेशा मैंने अपने गानों में वैसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत करते रहो काम पे रख लूँगा तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लैक्स करता हूँ और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है मुझे याद दिलाते रहता है तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें हैं मैं सौ कहावतें आपको सुना सकता हूँ तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है वो वर्क नहीं कर रहा है लोग रिलेट कर पा रहे हैं हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ नहीं होता लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर और जब मैं एक राइटर हूँ एज अ स्टोरी टेलर मेरा कहने का तरीका अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है तो जब मैं को कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो बट मेरा अंदाज ही वो है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं ज़मीन पर सोता था ऐसे नहीं है जो पूछा जाता है मैं तब तब बताता हूँ और लोग शायद रिलेट कर पाते आई थिंक उस हेलो uh, एवरीवन मेरा नाम विजया तिवारी है मैं ई e टाइम से हूँ मेरा सवाल मुनावर आपके लिए है मुनार आपकी ज़िंदगी में आपके uh, जो रिलेशन्स हैं रिश्ते हैं वो इतने हल्के क्यों हैं इतने फीके क्यों हैं या फिर आपने कभी अपने जिंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर जब भी आपसे आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया तो अंकिता से दोस्ती कर ली एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिसपे मैं पूरा भरोसा करता हूँ yes, yes. फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया उनकी दोस्तियों को उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को यू नो सहला पुचकार कर प्यार से समझाकर गेम की स्ट्रेटजी समझाकर उनको आगे लेकर गए जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया आयशा को लेकर आगे बढ़े तो क्या यह कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने